हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सेब के सिरके को कैसे उपयोग करें अपने चेहरे पे ग्लो लाने के लिए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए, पिंपल्स को दूर करने के लिए, अपने बालों को रेशमी और चमकदार बनाने के लिए, अपनी सेहत के लिए, बॉडी को स्लिम ट्रिम रखने के लिए। सेब के सिरके का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करते हैं, उसी तरह से ये बालों और चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ सेब के सिरके से 3 नुस्खे शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं जो एप्पल साइडर विनेगर जो सेब का सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा एप्पल साइडर विनेगर है कि जो भी मार्केट में एप्पल साइडर विनेगर मिल रहा है उससे आपका वज़न घट जाएगा, लेकिन चेहरे के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वाला इस्तेमाल कीजिए। ये चेहरे पे ग्लो लाएगा और बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप चेहरे और अपने बालों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वाला इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। ये है ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और ये है ऑर्गेनिक 4 केयर रॉयल गोल्डन एप्पल साइडर विनेगर। ये रॉ है, अनफिल्टर्ड है, विद मदर है, अनपैश्चराइज्ड है और ये नेचुरली फर्मेंटेड एप्पल साइडर विनेगर है। और सबसे अच्छी बात है, इसका जो प्राइस है काफ़ी रीजनेबल है। 200 ml की आपको मिलेगी ₹340 से ₹45 में, अमेजन में आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी इस्तेमाल कर चुकी हूँ इसे अपने चेहरे के लिए और अपने बालों के लिए। तो जो पहला नुस्खा है कि आप एप्पल साइडर विनेगर से अपने चेहरे की ग्लो को कैसे बढ़ा सकते हैं, 1/2 कप फिल्टर्ड वाटर ली हूँ यहाँ पे। अब इसमें मैं मिलाऊंगी एप्पल साइडर विनेगर, तो मैं लगभग 1 चम्मच ये सेब का सिरका मिलाऊंगी। और जो फाइनल चीज़ में यहाँ पे मैं मिलाऊंगी 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल, तो मैं लगभग 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल मिलाऊंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरह से मिला दीजिए इस तरह से। आप इसे 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रुई को इस पानी में भिगोकर इस तरह से अपने चेहरे पे ऐसे लगा दीजिए, देखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टोनर की तरह काम करता है। तो इस तरह से आप लगा दीजिए। तो लगाने के बाद आप छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो दीजिए। तो इस तरह की एक स्प्रे बॉटल में आप रख सकते हैं और इसे आप कभी भी कैरी कर सकते हैं। जब भी आपको चाहिए एक इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट, एक इंस्टेंट ग्लो, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली लग रही है या आपके चेहरे पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, तो आप इस तरह से इसे स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, स्प्रे करने के बाद आप 1-2 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कॉटन पैड या कॉटन बॉल से इस तरह से पोंछ दीजिए। इसमें जो अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड्स मौजूद है, ये डेड स्किन सेल्स को दूर करता है और आपको एक हेल्दी, ऑयल फ्री और ग्लोइंग स्किन देता है। ये जो सेकेंड नुस्खा है, इससे आपके चेहरे पे जो भी जिद्दी दाग धब्बे हैं और मुहासे हैं वो दूर हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बॉल में 1 बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी लीजिए, जस्ट 1/2 चम्मच आपको एप्पल साइडर विनेगर मिलाना है और लगभग 2 चम्मच गुलाब जल आपको मिलाना है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिला दीजिए। आप इस तरह से अपने चेहरे पे ऐसे लगा दीजिए। आपको एक थिन लेयर लगाना है। लगाने के बाद आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो दीजिए। चेहरे से जिद्दी दाग धब्बों को दूर करना चाहते हैं और चेहरे को टाइट और रिंकल फ्री बनाना चाहते हैं तो इस फेस मास्क को आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कीजिए। तो 1 बड़ा कप आप ठंडा पानी लीजिए और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच ये एप्पल साइडर विनेगर। आखिरी में जो चीज़ इसमें मैं मिलाऊंगी, 2 से 3 बूंद सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल। ये आपके बालों में खुशबू लाएगा और आपके बालों को चमकदार भी बनाएगा। तो 2 से 3 बूंद। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसे आप कैसे इस्तेमाल करें। तो बालों को शैम्पू करने के बाद इस पानी को लें और अपने बालों पर इसे डाल दीजिए।
डालने के बाद आप 5 से 6 मिनट तक वेट कीजिए। उसके बाद अपने बालों को ठंडे पानी से धो दीजिए। इस नुस्खे से आपके बालों पे डैंड्रफ नहीं होगा या आपके बाल इतने ग्रीजी या ऑयली नहीं होंगे और इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा कोमल, चमकदार और मुलायम हो जाएंगे। आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर खरीद दीजिए अगर आप अपने चेहरे पे ग्लो लाना चाहते हैं और बालों को चमकदार और कोमल बनाना चाहते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी और इसे ट्राई कीजिए और मेरे साथ आपका रिजल्ट शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले से और भी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।